मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत। अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत। श्रोमणि अकाली दल के एक नेता ने एक महिला सांसद के लिए जो बोला कि कंगना रनौत को बलात्कार का अनुभव है, इसीलिए इस तरह की भाषा वो बोली। नहीं, मुझे नहीं लगता ये शब्द बिल्कुल सही है। किसी के लिए भी सभ्य समाज में ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। मैं पूरी भर्त्सना करती हूँ।